हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये बेटा आपका क्लास सब्जेक्ट इंग्लिश में आपका बेटा आपको बताया गया था कि इसमें आपका जो है फाइनल टेस्ट पेपर फर्स्ट और सेकेंड ये दोनों आपका कम्प्लीट हो गया था। और ऐसे ही जो है आपको अब जो है आपका फिर जो है स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। और फाइनल टेस्ट पेपर की तरह ही जो है आपको क्वेश्चन और आंसर जो आपके दिए गए थे फिर ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स जो भी है उसी की तरह जो है आपको ये आपको कराया जा रहा बेटा। तो आज जो है आगे आपको पिछले वीडियो जो है पाला का कंप्लीट होते हैं कैसे यूज एक वर्ड ये आपको कराया गया था। और सेकेंड वीडियो बेटा आपका फाइंड द वर्ड कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए थे उस वर्ड को जो है आपको उस पजल्स में फाइंड करना था ढूंढना था, ठीक है। इसमें आपका डीजी ग्राफ्टी फ्लावर हर्ब एंड व्हील ये फाइव वर्ड थे। ये आपका होमवर्क रूप में कंप्लीट करने के लिए इसमें पजल में वर्ड फाइंड करने के लिए आपको दिया गया था, ठीक है। और आज इसी के आगे आपका दिया था बिगनिंग, सी है आपका बिगनिंग लेटर, सी दिया है आपका BEGI, ठीक है। BEGI, बिगनिंग लेटर, ठीक है। याद रखिए आपका मुझे जैसे आपको मार्च टेस्ट पेपर फर्स्ट सेकंड में दिए गए क्वेश्चन थे उसी प्रकार से जो है तभी पूरे लेसन से आपको जो है इस तरह का अभ्यास कराया जाएगा, ठीक है। इसमें सी आपका दिया आपका बिगनिंग लेटर तो दिया बेटा बिगनिंग लेटर होता था मतलब शुरुआत लेटर मीन अक्षर, ठीक है। शुरुआत के अक्षर जो आपका जिस जो कोई वर्ड जो है कोई भी वर्ड जिस लेटर से स्टार्ट होता है उसे हम कहते हैं बिगनिंग लेटर, ठीक है। तो यहाँ पर बिगनिंग लेटर क्या है और क्या मैच दीज वर्ड विथ देयर बिगनिंग विथ देयर ठीक बच्चों ये आपका दिया है कहा मैच दीज वर्ड विथ देयर बिगनिंग लेटर, ठीक है। यानी कि उन शब्दों को यहाँ पर जो है जो शब्द दिए गए हैं इन शब्दों को ये सब जो शब्द दिए गए हैं यहाँ पर उनको जो बेटा उनके बिगनिंग लेटर से मैच कराना है, उनके बिगनिंग लेटर से मैच कराना है, ठीक है। यानी मिलन कराना है क्या आपका फोर्थ सेकेंड का आपका फोर फर्स्ट यहाँ दिए गए हैं पहला का का सनलाइट सेकेंड बेटा का बी ए डी नेक्स्ट है ग्रास GRA, एंड लास्ट आपका वर्ड बेटा मैंगो उस वर्ड का आता है वो आपका है GO मैंगो, ठीक है। यम ए ठीक बेटा ये आपके फोर वर्ड दिए गए, ठीक है। अब जी जो यहाँ पर वर्ड दिए गए जी वर्ड वर्ड्स हैं इनको जो है इनके बिगनिंग लेटर से मैच कराना है। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट दिए गए हैं कि पहला आपका क्या है जी और लास्ट आपका है ठीक है जी एस एम एंड डी ये आपके लेटर दिए गए, ठीक है। अब आपका जिस लेटर से आपका अनलाइट वर्ड है स्टार्ट हुआ है उसको हम यहाँ से में से मैच कराएं, ठीक है। आइए देखते हैं जो सन लाइट आपका यह तीन आइडेंटिटी आप देख रहे हैं कि सन लाइट है यह लेटर वर्ड लेटर आपका यस से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये लेटर यस से स्टार्ट हुआ है क्या है
यस ये तो पहला चरण है, तो क्या कहते हैं बिगनिंग लेटर का। यस इसमें आप ये देखिए कि यहां पर है यस, तो इसको जो है सो लाइन फॉर्म जो है यस से मैच करानी है। सुन लो यार, लाइन के साथ यस से जो है मैच करानी है, ठीक है। यहां पर यस पर लाइन आ जाएगा यस। क्लियर बेटा? आइए इसको अगले क्वेश्चन का क्या बी है बी ए डी। नेक्स्ट वर्ड जो आपका था डी ए डी डेड है, डेड, ठीक है। तो इसका जो है बिगनिंग लेटर देखेंगे, तो ये जो आपका वर्ड है आपका लेटर डी से स्टार्ट हो रहा है, लेटर डी से क्या ये स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका डी यहाँ पे है, इसको जो है डी डी कॉर्ड है, ठीक है। बिगनिंग लेटर क्या होगा डेड का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया का थर्ड ग्रास, दिया ले लो ग्रास इज हार्ड, ठीक है। ग्रास ना तो है ग्रास का क्वेश्चन आ रहा तो आपका ग्रास वर्ड है, इसका जो बिगनिंग जो करता है वो क्या बेटा हम बता सकते हैं, क्या कहेंगे जी, जी से यह क्या हो रहा है जी आ रहा है, तो इसका बिगनिंग क्या है जी है, तो जी को पूरा जी से आता है, तो जी आता है ग्रास को उसके बिगनिंग लेटर जी से मैच करा रहे हैं, ग्रास के बिगनिंग लेटर क्या है जी है, इससे मैच कराने के। और लास्ट वर्ड का आपका मैंगो, जब ये जी हो लास्ट वर्ड का आपका क्या है मैंगो, ठीक है। तो मैंगो क्या है ये बता रहा यम से स्टार्ट है और काइट से है, जी होगा या जी के अंदर जी, तो आपका मैंगो क्या होगा यम आ जाएगा, ठीक है। मैंगो जब ए एन जी, ठीक बच्चो। तो इसका जो है हम यहाँ पर जो बिगनिंग लेटर दिया हुआ है काफी अच्छा, और जो आपको मैच दीज वर्ड्स विद देयर बिगनिंग लेटर, इन वर्ड्स को जो है इन वर्ड्स इन शब्दों को इनके शुरुआती अक्षर से मैच कराइए मिलान कराइए, तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। यहाँ लाइक के रूप में क्या था जो है क्या डैट बिगनिंग से जी हो गया, लास्ट जी से स्टार्ट करके होता है जी हो जाएगा, और लास्ट में मैंगो मैंगो में कोई यम रखा हो जाएगा यम, ठीक है। इसके बाद देखेंगे डी मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, ठीक है। बट क्या था डी बच्चों मेक सेंटेंसेस using the following words, using the following words, make sentences using the following words, यानी कि आपको क्या करना है बच्चों make sentences, आपको sentences बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं, ठीक है। Using the following words, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनका उपयोग करके उन वर्ड्स का उपयोग करके यूज करके आपको वो सेंटेंस बनाने हैं, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके आपको क्या वाक्य बनाने हैं। आइए पहला देखते हैं आपका क्या है ऑरेंज, ऑरेंज वाला वर्ड आपका ऑरेंज, तो यहाँ जो मैच दिया गया है आपको इसी में इस वर्ड का यूज करके उपयोग करके आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा थैंक यू फॉर ग्रैंड मा, इसलिए समस्या का यह ठीक है लिया गया है क्वेश्चन, तो डॉक्टर को दिया है थैंक यू फॉर ग्रैंड मा, थैंक यू फॉर ग्रैंड मा, ठीक है। थैंक यू फॉर ग्रैंड मा ठीक है, यानी ग्रैंड मा के ग्रैंड मा को जो है ग्रैंड मा ने बनाया है
जूस है, ठीक है, और इसका जूस बनाया है उसके लिए ग्रैंड माँ को, दादी माँ को जो है धन्यवाद, दादी माँ आपको ऑरेंज जूस के लिए धन्यवाद, ठीक है, थैंक यू टू आर ग्रैंड माँ ऑरेंज जूस जो है, ठीक है, यदि अगर आया है इस वर्ड का जो है उपयोग करके यूज करके हमने ये आपका सेंटेंस बनाया। आई नेक्स्ट थिंग बेटा रेनबो, आर ए आई एन बी बोलर, रेनबो ठीक है बेटा, यहाँ रेनबो दिया है इंद्रधनुष, ठीक है रेनबो, इसका बेटा आई रियल इन लाइफ आपको बताया गया था जो ब्लैंक कंप्लीट होते हैं टेंस विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स में ही, आपका पांचवा था आई रियली लाइक, जो आपका लेकिन बेटा आई रियली लाइक, ठीक है आई रियली लाइक माउंटेन एंड सेंटेंस बता का होगा द स्टार ट्विंकल इन द स्काई एट नाइट, ठीक है या फिर द स्टार ट्विंकल एट नाइट इन द स्काई, ये भी लिखते हैं ठीक है, यानी आप देखेंगे स्काई का हमने देखो तो बेटा द स्टार ट्विंकल द एसटीए आर स्टार तारे, ठीक है स्टार मीन तारे, द स्टार ट्विंकल टिमटिमाना टिमटिमाते हैं द स्टार स्प्रिंकल इन द स्काई एट नाइट, इन द स्काई एट नाइट, ठीक है देखिए आप द स्टार स्प्रिंकल ये तारे जो है टिमटिमाते हैं इन द स्काई एट नाइट, इन रात रात के समय जो है रात के समय जो है तारे क्या करते बेटा आप मान के आकाश में टिमटिमाते हैं, ठीक है ये आपका जो है थ्री वन लास्ट किया गया था, और इस वर्ड का उपयोग करके कुछ से पेश और एक गेम को नाइट आपने देखा था यहां पर सेंटेंस का और एक और यहां पर रेड को और यहां पर नाइट, ये थ्री वर्ड जो है आपके सेंटेंस में आए हुए हैं और इसी तरह से जो है आप इसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आइए इसके बाद देखेंगे आपको दिया है आस्क द गिवन क्वेश्चन ओनली यू मे आस्क मोर क्वेश्चन, दिया बेटा आपका ई टीचर्स नोट है आपका दिया है टीचर्स नोट आस्क द गिवन क्वेश्चन ओनली, यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उसको जो है ओनली यानी मौखिक
गिवन क्वेश्चन बोल ली, यानी इसको जो है आपका ओनली पूछा जा रहा है, यू मे आस्क मोर क्वेश्चन, और आप जो है अधिक और अधिक क्वेश्चन जो है बना सकते हैं। ठीक है, आपको दिखाया गया है पहला सेंटेंस है ई का फर्स्ट देखेंगे, ई का फर्स्ट, ई का फर्स्ट होता कहा ग्रैंड मां ने जी आर ए एन डी ग्रैंड मां ठीक है, यानी कि दादी माँ जो है बैंड माँ जो है क्या कहते हैं मेक बनाती है यमी केक, यानी कि टेस्टी स्वादिष्ट, यमी मिल टेस्टी कर सकते हैं, टेस्टी या स्वादिष्ट या जायकेदार केक जो है बनाती है। आइए ये आपका सेंटेंस दिया हुआ है, अब इसको जो है कुछ क्वेश्चन पूछे गए आपसे। क्वेश्चन नंबर वन ये है पलक्ष का इस ब्रांड माँ पलेगा वर्ड और grandma a letter award on his wedding day. Grandma got a letter award का बेटा। तो ये आपका लेटर जो आपका ग्रैंड मां दिया गया है, जो ग्रैंड मां था ग्रैंड मां के रूप में पूछ लिए, इसने पूछा गया है कि ग्रैंड मां क्या ग्रैंड मां एक लेटर है, ठीक है एक अक्षर है या ये वर्ड एक शब्द है या फिर एक सेंटेंस है वाक्य है। ठीक है, तो आप कहेंगे जो ग्रैंड का था यह लेटर नहीं है और सेंटेंस भी नहीं है। ठीक है, ये क्या है बेटा आपका एक वर्ड है एक शब्द है। ठीक है, ग्रैंड मां क्या है एक वर्ड है, इसका आंसर क्या होगा आपका चाहे ग्रैंड मां बनेगा तो वर्ड और सेंटेंस तो आप आंसर दे देना, आंसर हो जाएगा ए वर्ड ग्रैंड ए वर्ड एक शब्द। ठीक है, लिखते हैं ग्रैंड मां इज ए वर्ड, आप ये भी लिखते हैं ग्रैंड मां इज ए वर्ड, ग्रैंड मा एक शब्द। ठीक है, तो विथ विच लेटर डज विथ विच लेटर विथ विच विथ विच लेटर विथ विच लेटर Does the word grandma begin? Grandma. Word क्या था? G-R-A-N-D. Grandma. Begin. बेटा कि विद विच लेटर, यानी किस लेटर से, किस लेटर से, किस अक्षर से ये जो ग्रैंड मा है, ग्रैंड मा दिया हुआ था, ग्रैंड मा जो वर्ड है किस लेटर से चलता बिगिन यानी कि शुरू हुआ है, किस लेटर से जो है ग्रैंड मा शुरू हुआ स्टार्ट है उसको आपको लिखना है। समझ गए, ये आपका जो ग्रैंड मा है जो वर्ड ग्रैंड मा है स्टार्ट हुआ है, इसका आंसर। ठीक है,
और सी बेटा सी दिया है हाउ मेनी लेटर how many letters are there in grandma bachcho yahan pe how many letters are there in grandma yahan pe jo grandma word hai इसमें पूछा गया था कि इसमें जो है कितने लेटर हैं, ठीक है, इसमें कितने लेटर हैं, तो आपको लिखना है राइट साइड कौन करके या कितने ग्रैंडर टी आर ए एफ टी या के लेटर है और उसका हाउ के लेटर आर दे इंडियन का ग्रैंड माने जो है कितने लेटर है कितने अक्षर है तो आपसे काउंट करेंगे ग्रैंडमा को, ठीक है, ग्रैंडमा के कंसंट्रेशन को आप काउंट करके इसका आंसर यहाँ पे राइट करेंगे। डी एफ जो How many words dear beta how many words how many words are there in this sentence in this sentence ठीक बच्चों दिया था हाउ मेनी वर्ड्स आर देयर इन दिस सेंटेंस। ये जो सेंटेंस का क्या था ग्रैंडमा कॉमा मेनी नमी के, ठीक है, यानी ये जो सेंटेंस है इसमें कितने आपके वर्ड्स है, ठीक है, कितने इस सेंटेंस में जो यहाँ पर दिया गया सेंटेंस है इसमें कितने वर्ड्स है उसे आपको जो है यहाँ पर काउंट करके यहाँ पर लिखना है, ठीक है, या पेंटर नीचे आपका खरीदा दिया है और इसमें आपको जो है उस वर्ड्स सेंटेंस में कितने वर्ड्स है उसे आप काउंट करेंगे यहाँ पे ये सेंटेंस आपको ग्रैंड मार्क के इसको काउंट करके इस इनके वर्ड को आप यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है बेटा, और इसके बाद जो है आपका दिया सेकेंड स्टार ट्विंकल इन द स्काई, इसका स्टार ट्विंकल इन द स्काई ये भी आपका एक आपका इनका दिया है फर्स्ट और ऐसे ही आपका सेकेंड दिया ई में स्टार ट्विंकल इन द स्काई, ठीक है, पेज नंबर आप देखते हैं जैसे यहाँ दिया हुआ है नीचे स्टार ट्विंकल यहाँ पे देखेंगे बेटा लिखा हुआ है स्टार्स ट्विंकल इन द स्काई, ठीक है, और इसमें जो है कुछ क्वेश्चन जैसे आपको बताया गया है क्वेश्चन वैसे ही आपका जो है पेज नंबर 8 पर भी आप देखेंगे जो क्वेश्चन उधर आपका ये भी और सीडी आपका यहाँ पर है, ठीक है, सीडी आपका यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, तो इन सभी क्वेश्चन को जैसे पूछा गया इसमें क्वेश्चन नंबर ए इज स्टार लेटर अ वर्ड और सेंटेंस जैसे आपका पहले पूछा गया था बिल्कुल इसी तरह से इसमें स्टार को दिया गया है इसमें आपका ग्रैंड मा दिया गया था, ठीक है, ग्रैंड मा पूछे गए थे कि ये आपके लेटर है आपका एक अच्छा रहेगा है ये पूछा गया था तो वैसे इसमें स्टार पूछा गया है स्टार लेटर अ वर्ड और सेंटेंस फिर नेक्स्ट आपका बी है विथ विच लेटर डज द वर्ड स्टार्ट बिगिन यानी किस लेटर के साथ यहाँ पे विथ विच लेटर डज द वर्ड लेटर से स्टार्ट हुआ है उसको आप कुछ ना करेंगे और यह सीधा हाउ मेनी लेटर आर देयर स्टार्ट यानी स्टार्ट में जो है कितने लेटर है कितने अक्षर है वो आपको काउंट करके लिखना है स्टार्ट में कितने लेटर है उसे आप काउंट करेंगे और राइट करेंगे और जी सबसे आपको डी है इसमें हाउ मेनी वर्ड आर देयर इन दिस सेंटेंस यानी इस सबका सेंटेंस दिया गया है कि स्टार स्प्रिंकल द स्काई इस सेंटेंस में आपके जो है कितने वर्ड है कितने वर्ड है ये आपके ए बी सी डी आपका जो है सेकेंड में ए बी सी डी क्वेश्चन दिया हुआ है इसे आप जब होमवर्क रूप में कंप्लीट करेंगे प्रयास करेंगे, ठीक है, और
और इसके बाद सब क्या है लिविंग वर्ड, लिविंग वर्ड्स में ये अपने कंप्लीटली सेंटेंस जो भी था वर्ड था लिविंग विद द कलर और इससे आपको जो है नेक्स्ट जो बताया जाएगा तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।